हाय गाइस, मेरा नाम है शौरी और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप बिगिनर हो और आपको जानना है कि स्मोकी आईज़ बिल्कुल ही इजी तरीके में कैसे क्रिएट किया जाता है, सो प्लीज़ कंटिन्यू वाचिंग। स्मोकी आईज़ क्रिएट करना बहुत ही इजी है, दिखता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ये बहुत डार्क है, सल्टी है, ब्लैक आई शेडो का इस्तेमाल हो रहा है। बट इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी कि ये लुक कैसे क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट हमको लेना है एक काजल पेंसिल। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कोलोसल काजल्स इन सुपर ब्लैक। पहले हम लगाएंगे उसको लिड्स पे। बहुत ही इवनली या प्रिसाइसली नहीं लगाना बिकॉज ये आखिर में ब्लेंड ही हो जाएगा। अब ये काजल को ब्लेंड करने के लिए मैं लूँगी इंगलॉट का 80 HP, ये छोटा सा ब्रिस्टल वाला ब्रश, और इसको ब्लेंड कर देंगे। काजल यूज़ करने के पहले आप ये टेस्ट कर लीजिए, कुछ फॉर्मूलाज क्रीमी होती है, कुछ फॉर्मूलाज जेल और क्विक ड्राइंग वाली होती है। अगर आपका काजल क्रीमी है तो आप दोनों आईलिड्स पे काजल लगा के साइमल्टेनियसली ब्लेंड कर सकते हैं, और अगर आपका काजल बहुत ही स्मच प्रूफ है, क्विक ड्राइंग है, तो मेक श्योर कि आप पहले एक लिड पे ब्लेंड करिए, उसके बाद दूसरे लिड पे करिए। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप दोबारा काजल को कुछ प्लेसेस पे लगा सकते हैं। ये हो गया आपका काजल का बेस। आई शेडो के लिए आपके पास कोई भी न्यूट्रल पैलेट तो होगा ही जिसमें ब्राउन और ब्लैक शेड्स हों। सो जैसे कि ये मेकअप रेवोल्यूशन का कॉन्टोर लाइट एंड शेड पैलेट है, या तो मेकअप रेवोल्यूशन का अल्टीमेट मैट्स पैलेट है जिसमें आपको बहुत ब्राउन्स, न्यूट्रल्स और ब्लैक शेड्स भी मिलेंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही आई शेडोज यूज़ करने हैं, कोई भी न्यूट्रल पैलेट हो जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये ट्यूटोरियल के लिए मैं ये लाइट एंड शेड वाला पैलेट यूज़ करूँगी। क्रीज के लिए मैं यूज़ करूँगी वेगा का आई ब्रश। आपको कोई भी सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए होगा, और क्रीज के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वॉर्म मीडियम ब्राउन शेड। फिर इसको क्रीज पे लगाएंगे। ये हो गया आपका ट्रांजिशन शेड। अब लिड के लिए हम यूज़ करेंगे एक मैट ब्लैक आई शेडो, यही सेम पैलेट से, एक फ्लैट शेडर ब्रश पे थोड़ा सा लेके ये लिड पे लगा देंगे। क्योंकि ये बहुत ही डार्क शेड है, एक ब्लैक शेड है, तो जहाँ पे आपका लिड का क्रीज स्टार्ट होता है वहाँ तक ही आपको ये ब्लैक शेड लगाना है। अगर आप ज़्यादा ऊपर जाओगे तो आपके आईज बहुत ही छोटे लगने लगेंगे। तो ये डार्क करके लिड पे लगा दिया है। अब सेम क्रीज ब्लेंडिंग ब्रश जिसमें वो ब्राउन शेड लगाया था उसी को लेके विदाउट एनी प्रोडक्ट ये शेड को ब्लेंड कर देना है। शेड ब्लेंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको और इंटेंसिटी चाहिए ब्लैक शेड का, तो आप दोबारा वहाँ पे पैट करके आप ब्लैक आई शेडो लगा सकते हैं और फिर वापस इसको ब्लेंड कर दीजिए, ताकि जो ब्लैक है और ब्राउन ट्रांजिशन शेड है उस पर कोई अंतर ना पता चले। ये हो गया आपका लिड। अब हम वाटर लाइन पे और टाइट लाइन के लिए सेम काजल पेंसिल यूज़ करेंगे। काजल लग गया है। अभी जो लास्ट लाइन है वहाँ पे भी आप थोड़ा सा काजल लगा लीजिए, क्योंकि बाद में इसको हम स्प्रेड करके और स्मोकी बना देंगे। और इसको ब्लेंड कर दीजिए। अभी लोअर लैश लाइन पे काजल ब्लेंड हो चुका है। अब हम सेम ब्राउन शेड वही पैलेट से लेंगे, सेम ब्रश पे थोड़ा सा लेके डार्क करके इसी के एज पे आपको ये स्मोक आउट कर देना है, और मेक श्योर कि ये ब्राउन और ये लिड का ब्राउन कनेक्ट हो। जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ब्राउन का वो आपको आउटर कॉर्नर पे ही रखना चाहिए, सो दैट आपके आईज़ ज़्यादा आलमंड शेप और बिग लगे। सो ये आपका इजी स्मोकी आईज़ हो गया है। मैं दूसरा आईज़ कंप्लीट करके आई विल बी राइट बैक। सो ये हमारा स्मोकी आईज़ हो चुका है। अभी आपको अगर आईलाइनर लगाना है आप बिल्कुल लगा सकते हैं। पर्सनली मुझे आईलाइनर
लगाना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि ये बिगिनर्स ट्यूटोरियल है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप आईलैशेस लगाएं। आप अच्छे से लैशेस को कर्ल करिए, मस्कारा लगाइए एंड यू विल बी गुड टू गो। उसके बाद हम थोड़ा हाईलाइट भी करेंगे इनर कॉर्नर्स को, ये छोटा सा डिटेलर ब्रश और मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर और ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी थोड़ा किया हुआ है। अब मैं लैशेस को कर्ल करके और मस्कारा लगा के आई विल बी बैक। तो दैट्स इट गाइस, ये है इजी स्मोकी आईज फॉर बिगनर्स। आपको बस दो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और 3 मेकअप ब्रशेस की, और आप ये लुक ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।